अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी, ये दो दिन की व्लॉग है जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि कल व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। परसों भी जो है मैंने चिकन के सालन की रेसिपी वो वाला व्लॉग डाल दिया था, तो बस ये रह गया था। और अभी फ़िलहाल जो है बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं कल भी जो है व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आप सब दुआ करें जल्दी से जो है मेरा बेबी ठीक हो जाए, इसको बहुत ज़्यादा जो है बुखार वगैरह हो गया है। तो मुश्किल हो जाता है ना छोटे बच्चे अगर बीमार हो जाए तो, ऑलरेडी जो है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसमें अगर बच्चे बीमार हो जाए तो फिर और ज़्यादा जो है हम मम्मी का ध्यान और चीज़ों से हट जाता है और बच्चों में ही लग जाता है। तो इस तरह जी मेरा भी ध्यान बस उसी में लगा हुआ था। खैर जी, ये उसी दिन का व्लॉग है और यहाँ पर हमने जो है ये नेक्स्ट डे का है, सॉरी ये, और यहाँ पर देखिए ये तीनों ड्रॉप जो है वो लेके आए हैं हम। और शोकेस के जो ये ड्रॉपों में ना बहुत ज़्यादा जो है बच्चे कुछ ना कुछ जो है रख ही देते हैं, पता नहीं क्यों। हम कितना ही जो है इनको साफ़ वाफ करके रखें और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो बच्चे जो है वेस्ट जो खिलौने वगैरह होते हैं उनके या कोई भी खेलने की चीज़ तो बस वो डाल डाल के रखते हैं। तो यहाँ जी देखिए काम के सामान भी थे इसमें, लेकिन काम के सामान के साथ साथ ना इसमें जो दूसरे बच्चों ने जो है कागज़ पन्नी और पता नहीं क्या कुछ इसमें डाल रखा था, तो बस जी इसकी सफाई कर लेंगे। और हर घर का यही हाल होता है, हम मम्मी जो है साफ़ सफाई करते रहते हैं, बच्चों का जो है अपना ही चलता है। तो यहाँ पर जी बस हम वही जो ये तीनों ड्रॉप हैं इनको साफ वाप करके और रखेंगे। तो जी जो नए आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो बस जी तीनों ड्रॉप जो है हमने साफ़ करके रख दिए थे और उसमें देखे कितना ज़्यादा जो है कचरा कूड़ा करकट निकला है, तो बस उसी को हमने अभी बेटी के पास दिया कि ये बाहर रखे और फिर हम बाद में जो है डस्टबिन में डालेंगे। जो है हमने अभी साफ़ कर लिए हैं और ये वाले ड्रॉप में देखिए इसमें हमने रखा है जो भी काम के कागजात होते हैं ना, तो वो सब इसमें रख दिया हमने। इसमें सिर्फ और सिर्फ काम के कागजात, दवा खाने वगैरह की फ़ाइल है। ऊपर ये अभी पूरा अंबार लगा हुआ है, तो ये अंबार अभी जो है साफ़ करना है, मतलब इसमें से जो ऊपर के खाते में कपड़े वपड़े थे ना, तो हाँ बोल लगेगी, दबा के लगाएगी तो लग जाएगी बराबर, तो ये सब करना है हमको। और ज़रा चिल्लाओ कम। ये वाला खाना जो है ये बिल्कुल अभी खाली है, इसमें अभी रखेंगे हम जो भी रखना है। फिलहाल ये दो तीन थैली जो है इधर उधर हो रही थी तो अभी यही डाल दें हमने, ये पूरा जो है खाली है। कचरा देखा आपने कितना ज़्यादा निकला, तो बस यही होता है बच्चे जो है ड्रॉप वगैरह में बहुत ज़्यादा ना कुछ जो है डाल के रखते हैं, खिलौने ये वो। और इसमें भी देखिए दिख रहा है आपको ऐसा, लेकिन इसमें भी ना हर काम की चीज़ है, कुछ भी ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है। जैसे कि इसमें ये मशीन के काम की चीज़ें, सुई धागा वगैरह, और ये इलास्टिक है, ये लेस है, और ये जो ये भी जो है देखिए टॉप का है जो शलवार के टॉप बनाते हैं हम, और ये लेस वगैरह है इसमें, मतलब इसमें भी कुछ भी ऐसा वेस्टेज सामान नहीं है, जो भी है सब काम की है, जो कभी भी लग सकता है ना, तो उस तरह का सामान इसमें एक में पूरे में जमा दिया हमने। और अभी देखिए यहाँ पर भी देखिए कितना कुछ अभी एवी रखा हुआ है ना, ये सब पहला मतलब जगह थी तो एवी नहीं रखा हुआ था, जमा के रखा था, बट अभी जो है कुछ इस तरह का हाल हो गया इसका। तो यहाँ पर भी देखिए अभी इसका भी जो है कुछ ना कुछ करेंगे, यहाँ से चीज़ें हटाएंगे कुछ, और बाबू के कपड़े वपड़े सेट करेंगे इधर, या तो फिर जो स्वेटर बहुत सारे जो स्वेटर वेटर रखे हुए थे खाने में, सबके स्वेटर बहुत ज़्यादा जो है बाबू मारूंगी हाँ कुछ भी मैं डालूंगी, तो बस वो रखेंगे। बैग वैग जो है ऊपर कबर्ड पे जो कुछ है तो उसकी सेटिंग बाकी है, यहाँ की सेटिंग बाकी है। और यहाँ पर देखिए वही कपड़े एक बाबू के कुछ रख, हाँ कौन सी बोम गई, हाँ तो बस यही सब है इसमें। ये दवा लो ये फेंक दो बात, और क्या बात कर रही थी मैं, उस पर नहीं लगाने का है अभी मोबाइल, ये जनाब देखो ये ट्राईपोड उठा के लाई, ये बोल के तो इस पर नहीं लगा रही हूँ अभी, ऐसी बात कर रही हूँ। तो बस यही सब जो अभी सेटिंग वटिंग बाकी है अभी पूरा करूँगी, आखिरी में एक बार फाइनल जो है आपको बताऊँगी, अभी फ़िलहाल तो बस यही चल रहा है। और हाँ ये वाला जो अभी तो इधर रख दिया हमने इसको इधर रूम में, लेकिन इसका भी करेंगे कुछ ना कुछ, तो जब करेंगे तो वो हाँ हाँ। और ये खाना जो है तो ये
स्पेशल हमारी किताबों का है। इसमें पूरी हमारी जो है किताबें भरी हुई है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, तो ये देखिए पूरी जो है इसमें किताबें उताबें हैं मेरी। और ये कुछ टिकली विकली का सामान है जो कि ड्रेस वगैरह जरदोशी भरत वगैरह करती थी ना मैं पहले, आती है अभी नहीं कर पाती हूँ, तो वो सब सामान है। और मतलब बस ये एक टोकरी में है, बाकी ये पूरे खाने में मेरी किताबें हैं। ये कौन सी किताब है, ये उर्दू की किताब मतलब उर्दू में है, इसका नाम है पाकीज़ा चल, पाकिस्तानी ब्रांड लगता है ये, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो भी मुझसे मेरी सिस्टर वगैरह जुड़े हैं ना, तो इन किताबों में जो नाम पहले मैंने शहरों के पढ़े थे ना, वो अभी मेरी सिस्टर लोग बताते, जैसे कि पाकिस्तान लाहौर कराची हैदराबाद, तो ये सब चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सब मैं जो है पहले किताबों में नाम पढ़ती थी, अभी जो है वहाँ से कुछ मेरी सिस्टर वगैरह मुझे कमेंट करते बातें करते, मुझसे बहुत अच्छा लगता है। और सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे किताबें उताबें पढ़ना। तो ये जी मेरा मतलब यूँ समझिए कि शादी के पहले का ये मेरे लिए ख़जाने से कम नहीं है। मैं इसको ना कभी भी निकालने वाली नहीं हूँ, इसको मैं हमेशा ऐसे ही संभाल के रखूँगी जब तक संभाल सकती हूँ तब तक, मतलब खुद से तो मैं कभी भी जो है इन किताबों को अपनों से दूर नहीं करूँगी। होता है ना कुछ कुछ चीज़ों से जो है यादें जुड़ी होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए ये कीमती है ख़जाने की तरह। बहुत डांट भी पड़ती थी मुझे पहले भाई वगैरह से, मम्मी वगैरह से किताबें उताबें पढ़ने में, भाई बहुत ज़्यादा मना करते थे क्योंकि नावेल अफसाने वगैरह होते ना उसमें, लेकिन मैं फिर भी छुप छुपा के जो है पढ़ती ही थी। और अभी तो जो है यहाँ पर सारा खजाना जमा हो गया है ना, तो चलिए ठीक है, अभी जो भी करेंगे वो बाद में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अभी फ़िलहाल ये हुआ है घर वर के काम भी देखे बीच बीच में चालू है, जैसे कि अभी तो यहाँ के पूरे कवर जो है सफ़ेद वाले जो अभी वो मैंने ढूंढने डाला है मशीन में, तो वाइट में डालना होते हैं ना, सिर्फ कवर ही लगाया है और चादर वादर और भी चीज़ें जो है निकली हुई है, बट धीरे धीरे जो है वो चलेगा। बाकी का किचन वचन का काम तो वो भी हुआ है अभी, मतलब घर का भी देखना है, जो एक्स्ट्रा काम होता है ना उसके साथ साथ घर का भी देखना होता है, तो थोड़ा सा जो है गड़बड़ होती है, खैर कोई नहीं, अच्छा भी लगता है घर की साफ़ सफाई करते। मशीन अभी फ़िलहाल हमने वहाँ रख दिया है, मतलब ये भी एकदम जो है अभी पक्की सेटिंग नहीं हुई है हमारी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम वो वहीं पर रखें, नहीं अभी कुछ ना कुछ जो है करेंगे फिर देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ रखते हैं। क्या हुआ, हाँ रो मत, तो बस और हाथ को लग गया, अल्लाह रे लाओ फूक देती, लाओ अल्लाह पढ़ के फूक देती। और हाँ फ्रिज व्रिज की भी जो सफाई करनी है, अंदर से पूरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, उसकी भी क्लीनिंग करनी है, बट अभी पहले ये सब करेगी उसके बाद देखूँगी वो करने का, क्योंकि वो ना थोड़ा ही है हो जाएगा जब भी, लेकिन अभी ये जो दूसरा सामान वामान निकाला हुआ है ना हमने, तो बस इसको करना है जैसा। और इधर देखिए बेड का भी कुछ इस तरह का हाल हो रहा है, क्यों आओ, और ये वो जो हमने शोकेस जो है निकाला था ना ऊपर का हिस्सा, तो उसको भी अभी गैलरी में रख दिया। क्या हुआ, इसको पायदान बना लेते नहीं, ये बम हाँ लो तो ये देखिए मैं बताती हूँ भी आपको, तो ये देखिए इसको अभी फिलहाल यहाँ पर रखा है। पोछा इधर क्यों रख दी नाजुरा, तो इसका भी देखते हैं क्या करना है इसका, ठीक है चलिए मैं मिलती हूँ अभी आपसे। तो बस जी हो ये रहा है कि देखिए काम वाम तो जो है हमारे एक्स्ट्रा चलते हैं, उसमें जो है बच्चों का भी कोई ना कोई चीज़ है जो है चलती ही रहती है, जैसा कि अभी हम आए थे किचन में पानी वानी पीने के लिए, पानी पीते हैं उसके बाद जो है अपने काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इन जनाब को जो है गए दिख गए तो ये कच्चे थे, तो ये समझ रहे थे कि ये पापड़ी है और बस ये ऐवी खा रहे थे, फिर हमने इनको बोला कि नहीं ये पानी पूरी के जो फुगे आते हैं वो है, इनको ये चाहिए थे बस जी, फिर जो है इनको यहाँ पर ये हम फ्राई करके देंगे। और बच्चों का ऐसा ही होता है, बच्चे देखिए कोई भी चीज़ कभी भी देखते हैं तो उनको बस उसी की जिद होती है, तो ये अभी फिलहाल हमने इनको फ्राई करके दे दिया है, क्योंकि पानी वानी तो देखिए जो है नहीं, और खैर पानी वानी का ये खाएगी भी नहीं, तो अभी हमने इनको ऐसे ही दे दिया था। माओ को बच्चों की वजह से थोड़ा काम वाम में जो है देरी हो जाती है, लेकिन इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी होती है। तो अभी हमने ये पूरा देखिए ये जो खाना था उसको खाली कर लिया है, और उसमें ना ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन बस ये जो बैग थी एक उसमें थे कच्चे कपड़े लेस, और मतलब बस वही कपड़े वगैरह नेट वगैरह ही है उसमें, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मम्मी जो है लाते थे तो बस लेके आते थे हमारे लिए भी। अभी फ़िलहाल कई दिनों से जो है सिलाई वगैरह करने में नहीं आ रही है, तो अभी मैं बताती हूँ आपको इस
इसलिए वो ना इतने ज़्यादा जो है हो गए हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर जी ना थोड़ा सा जाला वाला लग रहा था हमको, तो वो हमने झटक लिया झाड़ू से और ये बोरी बिछा दी हमने यहाँ पर, तो अच्छी बोरी है, इसको बिछा दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि देखिए इतना मतलब इतना खाना है थोड़ा सा बड़ा, तो एक साइड में जी इधर वाला साइड में ना हम जानमाज जो नए हैं मेरे पास, तीन चार जानमाज है ना, मामा खाला वगैरह जो हज पे गए थे तो वहाँ से लाए थे, तो जो नई वाली जानमाज और नई वाली चादर वादर है तो वो हम इधर साइड में रख देते हैं, बेडशीट वगैरह जो भी मतलब, और इधर एक साइड में जो है तो बाबू के कपड़े लगा देते हैं, और जो बाबू के कपड़े का वो बास्केट है तो उसको ना कुछ और काम में ले लेंगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े देखे बढ़ते जाते हैं और फिर वो बास्केट में ना आते भी नहीं, फिर वो कुछ निकालो तो पूरा उथल पुथल हो जाता है, तो बस यहाँ पर रहे ना खाने में तो थोड़ा सा जो है अच्छा रहेगा, वरना ना वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगता है इतना ज़्यादा बिखरा बिखरा काम वाम पसारा पसारा सा, तो बस वही कर रहे हैं अभी हम। और जो स्वेटर वगैरह है तो देखिए उनको सोच रही थी कि विमल के झोले में डाल के ना बेड में दीवान में रख देंगे, दीवान जो है एक साइड से खाली है तो उसमें रख दे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो स्वेटर वगैरह नहीं लगेंगे, जब लगे तब काट लेंगे है ना। जैसा ये इसमें से जो बैग निकाली हमने, ये हमारी जूनी बैग थी तो इसी में हमने डाल के ना रख दिया था जो भी ये था, और ये तो वो है चौकट, जो चौकट लगाते ना दरवाजे में तो वो है, और बस जी इसमें ना बस यही सब है, कपड़े वपड़े नेट लेस वगैरह तो बस उसी से भरा हुआ है ये, इसका भी अभी फ़िलहाल लाइन लग जाएगी, उसके बाद जो है कुछ ना कुछ करेंगे, अभी तो ऐसे ही रखना पड़ेगा इसको। सिलाई विलाई जो है अभी कई टाइम से काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो चलिए करती हूँ यहाँ का जो भी है, फिर मिलती हूँ आपसे। हम बोलते हैं कि बच्चों के वजह से काम में लेट होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन ये हम माओ का बस उसी टाइम पे बोलना होता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वरना तो ऐसा देखिए अगर बच्चे थोड़ा सा भी बीमार हो जाए, उनको बुखार बुखार हो जाए ना, तो हमारा किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा, चाहे कितना ही कामों का अंबार क्यों ना रखा हुआ हो। बच्चों को जो है थोड़ा सा बुखार उखार आ जाए तो वो बस सोए रहते हैं, उनका जो है मस्ती वस्ती बंद हो जाती है, तो हम माएँ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को जो है इस तरह देखने की आदत नहीं होती है ना, बच्चे जो है मस्ती मजाक करते रहते हैं हमसे, वो तो बर्दाश्त हो जाता है, हम वैसे ही काम हैंडल कर सकते हैं बच्चों को लेकर, लेकिन अगर बच्चे बीमार हो जाए एकदम से जो है बिस्तर पे हो आराम करे और दवाई वगैरह में जो है रहे तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता, उस टाइम पे हम सोचते हैं कि नहीं ये जल्दी से ठीक हो जाए, इनकी मस्ती हमें चलेगी लेकिन इनका ये इस तरह का रूप हमें नहीं चलेगा, तो बस जी हमारा भी कुछ यही हाल है। अभी इस तरह हम कामों में जो है बिज़ी थे तो कामों में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, एक दिन के काम को चार दिन लगे, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि घर है अपना, बच्चे हैं अपने, तो चलता है ऊपर नीचे हो जाए। बट अभी फ़िलहाल जो है बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार हो गया है तो वो बस आराम कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लग रहा है, कामों में भी दिल नहीं लग रहा है, और ये हर माँ की सिचुएशन होती है, देखिए बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाए ना तो हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों की हिफाज़त करे, हमारी हिफाज़त करे हर बीमारी वबा परेशानी से, हमारी औलाद की, हमारे वालिदैन की, और अल्लाह ताला हर एक को जो है शिफायाब रखे। यहाँ पर जी हमने देखे सब कपड़े वपड़े जो है तय करके रख दिए थे, इधर साइड में हमने एक साइड में जो है बाबू के लगा दिए हैं और उनकी कुछ टोपी वगैरह थी वो रख दिए थे, और दूसरे साइड में जो चादर वादर है बेडशीट की तो फ़िलहाल के लिए वो रख दी है, बाकी की जो है बैग वैग में है वो निकालने हैं, जो अभी ऊपर थे वो रख दिए हमने। यहाँ पर जी देखिए ये विमल का झोला हमने निकाला था और उसमें जो ये स्वेटर वगैरह रखे हुए थे ना शोकेस के खाने में, तो वो स्वेटर इसमें हमने डाल दिए हैं कि इनको जो है अभी हम बेड में रखवा देंगे। बट यहाँ पर भी ये जो बाद में कैंसिल हो गया था, हमने बाद में कुछ और सोचा, तो इस तरह होता है, देखिए हम कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, फिर जो है हमें जो समझ में आता है उस टाइम पे वो करते हैं। यहाँ जी ये ऊपर जो कबाड़ पे बैग रखी हुई थी हमारे, जिसमें नए कपड़े होते हैं, मैंने आप सबको बताया भी था, तो जी ये नाजुरा के कपड़े जो दो फ्रॉक अभी हम मम्मी के घर गए थे ना तो वहाँ लेके गए थे, तो बस जी इनको हमने कबाड़ में रख दिया था, तो अभी वहाँ से उनको हमने निकाल लिया है, क्योंकि अभी कपाट का एक खाना हमें एक्स्ट्रा चाहिए था कुछ और चीज़ें रखने के लिए, तो जी ये हमने वापस से इसी बैग में डाल दिए हैं,
और ये बैग जो है जाएगा ऊपर, तो ये फ्रॉक वगैरह को बहुत ज़्यादा जो है ना जगह लग जाती है, वरना कपड़े तो जो है तय करके आ ही जाते हैं। तो इसको हमने इस बैग में डाल दिया था। यहाँ पर देखिए ये जो विमल के झोले में हमने स्वेटर डाले थे ना, तो वो निकाल लिए हैं, उनको हम डालेंगे वो बैग में जो जूनी बैग थी जिसमें हमारे कपड़े वपड़े थे ना, कच्चे नेट वगैरह, तो जी उसमें डाल के रखेंगे, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा जो है कपड़े वपड़े थे, तो इनको हमने देखे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और ये बैग खाली कर ली है और इसमें हम स्वेटर वगैरह डाल के रखेंगे। तो बस जी बेड का हाल भी आप देख सकते हैं, वो जो उधर स्वेटर और बाबू के कुछ, बाबू छोटे थे उस टाइम के, उनके जो कुछ उड़ाने के कपड़े हैं तो वो डाल के हम इसमें रखेंगे, और ये सब हमने डाल दिया इस विमल के झोले में। तो ये इस तरह का जो है ना देख के चलते रहता है, हमें समझ नहीं आता है, फिर हम समझ समझ के करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए ना कुछ लेस वगैरह थी जो कि हमने निकाल ली थी। चलिए पहले ना हम सोच रहे थे कि ये पूरा के पूरा विमल का झोला ना मम्मी के घर भिजवा देंगे, उनको बोलेंगे कि अभी हमसे कोई सिलाई कढ़ाई वगैरह नहीं हो रही है। खैर दिल में लालच आ गया कि अगर कभी किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से निकाल के जो है सिलाई कर सकते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि खैर इसको ना हम विमल के झोले में डाल देते हैं, अभी नहीं लग रहा है तो क्या हुआ, बाद में तो जो है काम में ही आएगा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।